आज जो प्लांट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसको एक सकलेंट वैरायटी है, इसको मदर ऑफ थाउजेंड बोलते हैं। ये देखें, ये बहुत हार्डी प्लांट है, आसानी से मरता नहीं है ये पौधा, हार्ड टू किल प्लांट है ये, बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है ये। इसको प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। इसके ये देखें लीव्स के आगे ये छोटे छोटे से लीव्स बने हुए हैं, ये इन लीव्स पे से प्रोपोगेट होता है, और ये टहनी से भी एक शूट से अलहदा से भी हम इसको प्रोपोगेट कर देते हैं। इसके लीव जहाँ पे भी गिरेंगे वैसे ही ये इस तरह से, ये मेरा लीफ एक इस प्लांटर में गिरा था, तो ये देखें इस पर भी एक प्लांटर तैयार हो गया। फिर मैंने दो तीन लीफ अपने इन छोटे पॉट्स में लगाए, ये देखें इस पर भी प्रोपोगेट कर गया, और एक प्लांटर मैंने तीन चार लीव्स इसमें गिरे थे, ये देखें इस पर भी ये प्रोपोगेट आराम से करके है। अभी मैं एक और आपको प्रोपोगेट करके दिखाता हूँ कि ये टहनी से यानी कि अलहदा से एक ब्रांच जो है इससे भी ये प्रोपोगेट किया जा सकता है लीव से। ये देखें ये प्लांटर, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ये देखें लीव्स से ऊपर ये छोटे छोटे लीव्स बने हुए हैं, और उसी गमले के नीचे लीव्स गिरे हुए हैं, और तीन प्लांटर मेरे और तैयार हो गए। ये देखें तीन प्लांट्स मेरे और तैयार हो गए हैं। एक ये छोटा सा ये मैं आपको बताता हूँ, ये इसका लीव है, ये देखें ये छोटा सा लीव है इसका, ये लीव इसी में मैं रहने दूंगा। ये देखें दो तीन लीव गिरे भी हुए हैं और वहां से प्लांटर शूट कर रहे हैं। ये देखें एक यंग प्लांट है बिल्कुल छोटा सा, इसको मैं शूट से ये देखें अलहदा से जड़ निकली हुई है इसकी, ये इस छोटे से प्लांटर में लगा लेंगे। ये जितने बड़े छोटे से प्लांटर में लगा दें ये आराम से उसमें ग्रो कर जाता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ और मेरा ये न्यू प्लांटर ये देखें तैयार हो गया। ये देखें इसकी केयर बहुत ही आसान है, ना इसे किसी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना ही इसे किसी किस्म की मिट्टी की ज़रूरत है, मिट्टी से कोई भी मिट्टी इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, इन पत्तों के ऊपर ये छोटे छोटे पत्ते उगे हुए हैं, ये ग्रो किए हुए हैं, ये पत्ते जहाँ जहाँ भी गिरेंगे तो वहाँ पे नया नया प्लांट प्रोपोगेट करता जाएगा। ये देखें इसका एक पत्ता भी आपको तोड़ के बताता हूँ, ये देखें ये इसका पत्ता है, इसके आपको ये नीचे हल्की सी येलो कलर की जड़ भी नज़र आ रही है, रूट नज़र आ रही है, ये रूट जहाँ पे भी लगेगी गिरेगा ये पत्ता, वहाँ पे ये नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इस प्लांटर को भी मैं इसमें इस लीव को इसमें रख देता हूँ, ऐसे ही ऊपर ही गिरा रहेगा तो ये देखें ना इसमें एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा, किसके साथ इसकी जड़ भी है, बालू मिट्टी में भी उग जाता है, रेतली मिट्टी में भी उग जाता है, गार्डन साइड में भी उग जाता है, ये हर तरह के मिट्टी में ये सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ये सकलेंट और हार्ड टू किल प्लांट है। ये दो प्लांटर मेरे ये इस कॉर्नर वाले साइड पर भी पड़े हुए हैं, ये देखिए शेड पर मैंने रखे हुए हैं, ये दो प्लांटर भी मेरे यहाँ पर तैयार हुए हैं, एक मैच्योर है और एक यंग वन है। उनमें भी देख लें नीचे पत्ते गिरे थे और वहीं पे प्लांटर स्टार्ट हो गए हुए हैं उसके पौधे जो हैं, और कुछ मैंने यहाँ पे नीचे लगाए हुए हैं पत्तों से, ये देखें यहाँ पे शेडी एरिया में, शेडी एरिया में भी ये प्रोपोगेट करते हैं, और कुछ ये इस प्लांटर में मैंने छोटे छोटे देखे कितने ज़्यादा प्लांट लगाए हुए हैं, ये देखें। कुछ प्लांट्स ये देखें मैंने यहाँ पे इनके पत्ते गिराए थे, ये देखें यहीं पे उगा दिए हुए हैं, कितने ज़्यादा देखें ये प्लांट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सारे मदर ऑफ थाउजेंड है, ये मनी प्लांट और एलिफेंट और सिंगोनियम के साथ ये कैरी में ही प्रोपेगेट कर रहा हूँ। प्लांट जब यंग होता है तो इस तरह का ग्रीन सा होता है, ये देखें जो ही ये इसका टाइम गुजरता है जब ये मेच्योर होता है, ये देखें इसका एक तो तरह किस तरह से बड़ा हो रहा होता है, और ये इसका हाइट इस तरह से बड़ी होती है, और फिर इसमें से ये लीव्स निकलते हैं, इनमें से जब लीव्स निकलते हैं इट मींस कि ये प्रॉपर मेच्योर हो गया है, तो ये प्लांटर आपका ब्राउनिश इसके पत्ते होने लग पड़ते हैं, वो ग्रीन है, वो देखें उसके पत्ते ग्रीन है, और इसके पत्ते आपको लाइट से ब्राउन से नज़र आ रहे होंगे। एक मैंने इस कोकोनट शेल में भी ये देखे लगाया हुआ था, दो तीन प्लांटर के पत्ते लगाए थे, ये देखें पत्ते उसमें भी, ये देखें कितना प्यारा
हो गया मैं, ये देखें, ये मैंने हैंगिंग बास्केट में किस्म के लगाया हुआ है, उसमें भी ये कितना कितना प्यारा हो गया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।